अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोबाइल की लेमिनेशन के फ़ायदे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोबाइल की बैक पे कितने स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको उतारेंगे। उतार के आपको दिखाते हैं कि अंदर से मोबाइल की क्या कंडीशन है और बाहर से क्या कंडीशन है। यानी कि अगर इसके ऊपर लेमिनेशन ना किया होता तो ये सारे स्क्रैचेस जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये मोबाइल की बैक पे आने थे, जबकि ये बैक अभी बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह क्लियर है जिस तरह हम न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं, बिल्कुल लश कंडीशन में। ये देखें, ये अभी मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि उतारने का भी इसका एक तरीका है। हम ऐसे नहीं ऐसे उतार के खींच सकते, क्योंकि इसके पीछे जो बैक पे क्रोम होता है वो ना ख़राब हो जाए या बैक ना उखड़ जाए, क्योंकि इसकी चिपक काफ़ी होती है। ये देखें, ये इस साइड से हमने उतार लिया है, आपको क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा कि नीचे से फ़ोन किस तरह निकल रहा है। अब ये वाला नीचे वाला स्टिकर भी हमें बचाना है, ताकि ओरिजिनल स्टिकर जो है ये भी नीचे खड़ा रहे। तो हम इसे अब दूसरी साइड से उतारेंगे, उसी तरह से जिसी तरह से हमने पहली साइड से उतारा है उसी तरीके से हम इस साइड से भी उतारेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। ये देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि फ़ोन नीचे से बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पड़ा है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई निशान नहीं है बैक पे। ये इसे आहिस्ता आहिस्ता उतार लेना है स्टिकर को बचाने के लिए। अगर हमें ये स्टिकर नहीं बचाना होता तो फिर ये जल्दी और इजी उतर जाता। अभी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन उतर गया है पेपर। ये स्टिकर उसी तरह पेस्ट हो गया। और अब ये चेक करें आप फ़ोन की कंडीशन, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे कि कैसे लश है, जैसे न्यू डब्बा पैक फ़ोन है, जबकि ये 3 से 4 माह यूज़ भी हुआ हुआ है। आइडिया नहीं होगा कि ये इतना फ़ोन यूज़ हुआ हुआ है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।